होगी पोस्टल बैलेट पेपर से मतदान की शुरुआत। नमस्कार, आप देख रहे हैं नीमच जिले का टॉप डिजिटल वीडियो न्यूज चैनल MP7 न्यूज। देखिए खास खबरें। नीमच जिले में 609,602 मतदाता भले विधानसभा चुनाव में मतदान 17 नवंबर को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक करेंगे, लेकिन मतदान की असल प्रक्रिया सोमवार से शुरू हो जाएगी। इस दिन से वे सरकारी कर्मचारी जिनकी ड्यूटी मतदान दल के रूप में है, उनके साथ साथ दिव्यांग व वृद्ध मतदाता भी मतदान करेंगे। 10 नवंबर तक इनके मतदान की प्रक्रिया चलेगी। जिले में 5,000 सरकारी कर्मचारी व करीब 500 से अधिक वृद्ध व दिव्यांग मतदाता सोमवार से अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। आमतौर पर सरकारी कर्मचारी अपने साथ बैलेट पेपर घर ले जाता है, बाद में डाक से इनको भेजता है। इस बार इस प्रक्रिया में अहम बदलाव हुआ है। वह कर्मचारी को मतदान करते ही अपना बैलेट पेपर जमा करना होगा। विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी हो गई है। तीनों विधानसभा सीट पर मिलाकर कुल 23 प्रत्याशी मैदान में है। चुनाव चिन्ह आवंटन के बाद निर्वाचन कार्यालय ने पोस्टल बैलेट डाक मतपत्र छपने के लिए भेज दिए है। यह भोपाल से छपकर 5 नवम्बर को आ जाएंगे। 6 नवम्बर से पोस्टल बैलेट से वोट डालने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 500 से अधिक वृद्ध दिव्यांग मतदान केंद्र वोट डालने के लिए नहीं आ सकते। मतदान दल इनके घर जाएंगे और घर पर ही इनके वोट डलवाने की प्रक्रिया पूरी करेंगे। वहीं शनिवार देर शाम को एक महिला के गले से बदमाशों ने सोने की चेन छीनने की कोशिश की। महिला और उसके साथ मौजूद युवती ने हिम्मत और सूझबूझ दिखाकर दोनों बदमाशों से लड़कर उनकी कोशिश को नाकाम कर दिया। इसके बाद बदमाश मौके से भाग गए। वारदात शहर के निरोग धाम नर्सिंग होम के पास हुई। सूचना पर केंट पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने आसपास के CCTV फुटेज खंगाले, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। जानकारी के अनुसार स्थानीय योजना क्रमांक 34 की निवासी रागिनी राठौर एक युवती के साथ TVS शोरूम से ग्वाला टोली पुलिया की तरफ पैदल जा रही थी। तभी निरोग धाम हॉस्पिटल के पास बाइक सवार दो बदमाश आए। बदमाशों ने महिला के गले से चेन खींचने का प्रयास किया। इस दौरान महिला ने चेन को कसकर पकड़ लिया। वहीं युवती ने एक बदमाश की कॉलर पकड़ ली। ऐसे में बदमाशों ने मौके से भागना ही मुनासिब समझा। पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। नीमच जिले की हर प्रकार की लेटेस्ट न्यूज की जानकारी के लिए देखते रहिए हमारे साथ MP7 न्यूज।